दोस्तों विश्व कप फाइनल मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दोस्तों रोहित शर्मा के लिए कैप्टन रहते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो इसका बहुत समय से इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि इस बीच टीम इंडिया के नए कप्तान की तलाश भी तेज हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगले वो खिलाड़ी कौन हो सकते हैं जो टीम इंडिया का नेतृत्व करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों इस सूची में सबसे पहला नाम हार्दिक पांड्या का आ रहा है और माना जा रहा है कि वो T20 फॉर्मेट की कप्तानी कर सकते हैं। पिछले कई सालों से एक ऑलराउंडर के तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आए हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी कप्तान के तौर पर एक अच्छे खासे उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। बुमराह की गेंदबाजी ने उन्हें टीम इंडिया में अलग पहचान दिलाई है। माना यह भी जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह भी एक निश्चित तौर पर सफल कप्तान टीम के हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हैं सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से क्रिकेट में काफी सक्रिय हैं और अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यदि चयनकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहे जो शांत है और अपने गेम और स्किल को बदल सकता है तो वो सूर्य कुमार यादव को चुन सकते हैं। वो भी एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। चौथे नंबर पर हैं ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत क्रिकेट के पीछे और आगे जिस तरह से धुआंधार पारी खेलते हैं उसके आधार पर उनका चयन भी लगभग संभव माना जा रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया का न्यू कैप्टन कौन हो सकता है या किसे बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।